अरे बच्चों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अमेंडमेंट्स, नवंबर 2020 एग्जाम्स। आई होप ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने के बाद आपको कंफर्ट जोन फील हो रहा होगा। इनफैक्ट जैसा मैंने आपको कहा था कि बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, ये प्रूव होता हुआ दिख रहा होगा आपको। और सर, लेक्चर वन और लेक्चर टू आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपके एंड पे कंप्लीट कर दिया है, इन मेन बुक से कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो लेक्चर नंबर थ्री, और उससे भी खास बात, खुशखबर, ये लेक्चर नंबर थ्री जो होगा यही लास्ट लेक्चर है फॉर अमेंडमेंट। मतलब केवल तीन लेक्चर्स अमेंडमेंट के। सो आपकी एनर्जी को और अपने आप को बूस्ट करना है, आपकी एनर्जी डबल लेवल से होनी चाहिए, और पढ़ाई पे ध्यान देना आपको। माहौल शुरू करते हैं हम, क्या चैप्टर चैप्टर नंबर 14 से आगे के चैप्टर्स में जहाँ जहाँ अमेंडमेंट थे। ओके, सबसे पहला पॉइंट आपको मिला होगा पेज नंबर 430 रिफंड चैप्टर में, टॉपिक नंबर 14.3। क्लियर मिला क्या सर? ऑर्डर ऑफ रिफंड। अरे मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना में जवाब दो मुझे। हाँ कर रहे हो? ओके सर, तो सर कुछ चीज़ें क्या प्रेजेंशन लेना पड़ता है मेरे को भी। ओके, तो सर सेक्शन नंबर 54, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 8A, ये वाला हेडिंग मिला होगा बेटा आपको। ओके, सबसे पहला ए जो आपको मिला होगा एक सर्कुलर है। बच्चों कोई खास बात नहीं है, आपको पता है कि डिपार्टमेंट को अगर आपने वैलिड एप्लीकेशन फॉर रिफंड दी है, तो जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी, जिस दिन उसका ARN जनरेट होता है, ARN मतलब सर एप्लीकेशन का जो नंबर होता है इनका, एक्नोलेजमेंट नंबर। तो सर जब ARN जनरेट होता है, उसके 60 डेज के अंदर अंदर, 60 दिन के अंदर अंदर इनको रिफंड सेंक्शन करना होता है। और 60 डेज के अंदर अंदर अगर इन्होंने रिफंड नहीं दिया, तो 61st डे से डिपार्टमेंट इज लायबल टू पे द इंटरेस्ट। हाँ है ना बच्चों? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और कुछ केस में 9% पर एनम, आपको बताया बात। अब सर डिपार्टमेंट ने अपने इंटरनल वर्किंग के लिए सर्कुलर इशू किया कि सिंस 60 डेज का टाइम मिलता है रिफंड के लिए, और रिफंड कब माना जाएगा? जिस दिन असेसी के अकाउंट पे पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब असेसी के अकाउंट पे पैसा पहुंच जाएगा, उस दिन मानेंगे कि रिफंड हुआ है। इसलिए डिपार्टमेंट ने अपने सारे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप कोशिश करो कि विद इन 45 डेज आप रिफंड सेंक्शन कर दे, प्लस पेमेंट ऑर्डर भी दे दे, सो दैट 60 डेज के अंदर अंदर उसके अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट हो जाए और हम इंटरेस्ट से दूर हो जाए बच्चों। हाँ है ना? ये सर्कुलर नंबर वन खत्म होता है। अब कोई खास बात बच्चों? नहीं। तो ये डिपार्टमेंट की इंटरनल वर्किंग के लिए पॉइंट था, पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट होगा, उस दिन मानेंगे कि असेसी को रिफंड मिला है। इसलिए डिपार्टमेंट अपनी वर्किंग कितने टाइम में करना चाहेगा? 45 डेज में। ये इंटरनल वर्किंग के लिए सर्कुलर है, कोई खास बात नहीं सर। आइए सेकंड पॉइंट, डिस्बर्सल ऑफ रिफंड वाला सर्कुलर अगेन। अच्छा, आपको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, लेक्चर में बताया था कि सेक्शन 54 सबसेक्शन 8 है, जो इसके जस्ट ऊपर मैंने पॉइंट दिया हुआ है, सेकंड अमेंडमेंट के जस्ट ऊपर, यहाँ पे लिखा है कि नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसबर्स द अमाउंट ऑफ SGST ऑल्सो। बेटा ये बात हमारी हुई थी क्लास के अंदर, बोला था मैंने आपको क्या होता है, CGST का रिफंड देगा सेंट्रल गवर्नमेंट, S का रिफंड देगा स्टेट गवर्नमेंट। अब होता है क्या साहब, जब रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो C का रिफंड दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला डिपार्टमेंट, S का रिफंड दे रहा है कौन? स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। उसमें क्या होता था बच्चों? रिफंड तो डिले हो जाता था बेटा, आपको C का रिफंड मिल गया, फिर SGST वाले क्या करेंगे? अपना रिफंड प्रोसेस करेंगे, और फिर अपने पेमेंट ऑर्डर आएगा वहां से बेटा। तो अब देखो सर, CGST में रिफंड सेंक्शन हो गया, मतलब एस में होना ही होना है बेटा, क्योंकि एक्ट सेम है, प्रोविजन सेम है, अमाउंट भी इनफैक्ट लगभग सेम ही होगा बेटा। इसलिए इसलिए सेक्शन 54 सबसेक्शन 8A देकर फाइनेंस एक्ट 2019 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज कर दिया कि आप SGST का रिफंड भी दे सकते हो, और सेम वे स्टेट गवर्नमेंट को भी ऑथराइज कर दिया SGST एक्ट ने कि आपके पास अगर कोई रिफंड की एप्लीकेशन आई, तो आप एस का भी रिफंड दे सकते हो और CGST का रिफंड भी दे सकते हो बच्चों। हाँ है ना? तो सर दोनों रिफंड एक ही ऑफिसर सेंक्शन करेगा। क्लियर? अगर आपकी फाइल CGST डिपार्टमेंट में है, तो CGST डिपार्टमेंट जब रिफंड प्रोसेस करेगा, तो सी और एस दोनों का प्रोसेस करेगा। अगर आपकी फाइल SGST डिपार्टमेंट में है, तो आपका रिफंड सेंक्शन जो ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट का है, वो SGST का भी रिफंड देगा और सी का भी रिफंड दे देगा बेटा। हाँ है ना? तो बस उसी के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए सर्कुलर आया, और सर्कुलर जो मैंने भी बोला है वही सर्कुलर है सर। यहां बोल दिया क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग रिफंड ऑर्डर एंड एंड मतलब सेंक्शन ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर बोथ विल बी इश्यूड बाय द सेम ऑफिसर। मतलब अगर आपने आपकी फाइल अगर CGST डिपार्टमेंट में है, तो CGST डिपार्टमेंट का प्रॉपर ऑफिसर जो रिफंड देने के लिए ऑथराइज्ड है, वो CGST एज वेल एज SGST दोनों का रिफंड का ऑर्डर एंड पेमेंट
पेमेंट ऑर्डर देगा बेटा, और कॉरेस्पॉन्डिंग एस जी एस टी एक्ट में भी सेम बात कही, सो दैट अननेसेसरी हेजल नहीं हो आरसीसी को, अननेसेसरी परेशानी नहीं हो, लेट नहीं हो रिफंड्स उसको, क्लियर। तो उसके लिए ये सर्कुलर देके समझाया कि ये सेम ऑफिसर ही दोनों रिफंड सैंक्शन कर देगा बच्चों, क्लियर पक्का बच्चों। तो रिफंड एप्लीकेशन को थोड़ा स्मूथ करने के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, ये सर्कुलर देके गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन किया, कोई खास बात नहीं है। देखिए रूल नंबर 92 सब रूल नंबर 1A, बड़ा अच्छा पॉइंट है बेटा, बड़ा अच्छा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट पर बड़ा अच्छा पॉइंट है। वैसे मैंने कल पढ़ाया आपको ये पॉइंट, सर कभी भी किसी भी एसएससी को रिफंड सैंक्शन अगर होता है तो सर जितना अमाउंट उसने टैक्स पे किया था उसने उसके लिए रिफंड के लिए अप्लाई किया, तो जब टैक्स पे करते वक्त उसने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी यूज किया होगा, मतलब ITC यूज किया होगा, और कैश लेजर भी यूज किया होगा, तो जिस प्रोपोर्शन में उसने ITC यूज किया था और कैश पेमेंट किया था उसी प्रोपोर्शन में उसको रिफंड सैंक्शन होगा। मतलब जिस जितना प्रोपोर्शनल अमाउंट उसने ITC के थ्रू पे किया उतना अमाउंट उसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हम क्रेडिट करेंगे डिपार्टमेंट वाले, और जितना उसने कैश में पे किया उतना ही आपको रिफंड सैंक्शन होगा, रिफंड मिलेगा आपको हाथ में बेटा कैश में, क्लियर समझा मेरी बात बच्चों माहौल। तो सरकार इन केस ऑफ GST, इन केस ऑफ GST रूल नंबर 92 सब रूल नंबर 1A ऐड कर दिया है, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको बच्चा ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि जब भी आपको बात समझ में बेटा, मैंने एग्जांपल दिया था कल ही, 14 की लायबिलिटी अगर आपकी है, रुपीज 14 की अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी है, 10 का क्रेडिट अगर है और 4 का आपने कैश पेमेंट किया, तो क्या किया आपने 14 पे करते वक्त 10 का क्रेडिट यूज किया, 10 का क्रेडिट यूज किया और 4 पे किया। अब मान लो उस 14 का रिफंड सैंक्शन हो गया, किसी कारण से पता पड़ा कि नहीं वो तो रिफंड मिलना है 14 का, क्लियर। अब 14 का जब रिफंड मिलेगा तो पूरा 14 कैश में रिफंड नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट क्या करेगा उसको दो पोर्शन में डिवाइड करेगा कि आपने ओरिजिनली जब टैक्स पे किया था तब कैसे पे किया था। तो सर वहां पे अगर ये पता पड़ा कि 10 का तो आपने क्रेडिट यूज किया था और 4 आपने कैश के थ्रू पे किया था, तो आपको उसी प्रोपोर्शन में रिफंड मिलेगा, और ऐसे केस में 10 तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देंगे और 4 रुपये आपको कैश में रिफंड करेंगे। अच्छा ऐसा क्यों किया, अगर पूरा 14 कैश रिफंड देते थे आपको तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का भी 10 का आपको रिफंड मिल गया एक तरह से बेटा, और आपको पता है ITC का कभी रिफंड मिलता नहीं बेटा, एक्सेप्ट एक दो सर दो एक्सेप्शन बेटा, हाँ है ना। इस कारण से यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि कभी रिफंड की बात आएगी तो हम भी ये दिमाग लगाएंगे सर, क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इनडायरेक्टली रिफंड हम तोड़ देंगे आपको सर इस तरह से, क्लियर पक्का बच्चों माहौल। ओके सर एक बार लैंग्वेज पढ़ लीजिए, रूल नंबर 92 सब रूल नंबर 1A, वेयर अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, पढ़ना बेटा, पॉइंट समझ में आया ना आपको, क्लियर। कल जो लॉजिक बताया था वही यहाँ पे रिपीट हुआ, मैंने बताया था आपको कल कि रिफंड के चैप्टर में भी वो पॉइंट आएगा, ये रहा वो पॉइंट, वेयर अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज टैक्स द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अ रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54 सबसेक्शन 5 ऑफ द एक्ट इज ड्यू एंड पेएबल टू द एप्लीकेंट, ठीक है साहब, देन ही शैल मेक ऑर्डर सैंक्शनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड टू बी पेड। ओके वो क्या करेगा, ऑर्डर इश्यू करेगा सैंक्शनिंग द अमाउंट ऑफ रिफंड टू बी मेड, ऑर्डर तो पास करेगा पर फर्दर द प्रॉपर ऑफिसर विल डिवाइड दिस अमाउंट ऑफ रिफंड इन टू पोर्शंस, वन रिफंडेबल इन कैश एंड अनदर रिफंडेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, हाँ है ना बच्चों। This proportion shall be done on the basis of the amount utilized from electronic cash ledger and electronic credit ledger while discharging his total tax liability for which for the relevant period for which he is claiming the refund, beta ha hai na clear bachcho। acha jaise maine aapko example diya 14 rupees ka, 14 mein se usme 10 ka credit use kiya, balance 4 usne pay kiya tha, ab pura 14 ka refund mil raha hai to 10 to uske electronic credit ledger mein jayenge aur 4 usko cash refund milega। acha ho sakta hai 7 rupees ka refund claim hua hai, आउट ऑफ 14 जो उसने टैक्स पे किया उसमें 7 रुपये रिफंड मिल रहा है, तो 7 में क्या करेंगे वही प्रोपोर्शन 10:4 का रेशियो यूज करेंगे और उस रेशियो में ही उसका कैश में और क्रेडिट लेजर में रिफंड मिलेगा बेटा, क्लियर डन। सर नोट क्या दिया है, अब सर आपको पता है जब भी रिफंड आपको मिलता है कैश में तो अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड पेंडिंग है तो डिमांड का अमाउंट पहले वहां से एडजस्ट करेंगे फिर रिमेनिंग अमाउंट आपको कैश में रिफंड मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 पढ़ लीजिए नोट का, अमाउंट रिफंडेबल इन कैश शैल बी रिफंडेड After making adjustment of any outstanding demand under the Act or under any existing law, clear? अगर कोई demand pending है आपका, clear? तो सर और any existing law मतलब excise service tax हो गया बेटा ये। Sir, amount refundable in cash shall be refunded after making adjustment of any outstanding demand under this Act or under any existing Act बेटा।
एग्जिस्टिंग लॉ मतलब एक्साइज सर्विस टैक्स वेट वगैरह बेटा। ओके सेकंड, इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिफंडेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर द प्रॉपर ऑफिसर शेल इश्यू ऑर्डर रिक्रेडिटिंग द सेड अमाउंट एज इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर सर। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे और उसका ऑर्डर पास हो जाएगा सर। एंड थर्ड पॉइंट ये बोलता है दिस सब रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग टू केसेज। बच्चों ध्यान से देखना, ये दो केस ऐसे हैं जहाँ पे इनपुट्स जो टैक्स पे किया उसका भी मतलब ITC का भी रिफंड मिलता है, इसलिए इन दो केस को एक्सक्लूड कर दिया और यहाँ बोल दिया कि जितना भी आपने जैसे 14 रुपये के रिफंड के लिए अप्लाई किया आपने तो पूरा 14 हम आपको कैश में रिफंड देंगे सर। वो फर्स्ट केस कौन सा बेटा दो केस में से? फर्स्ट है। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई। क्लियर? तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में अगर आपने टैक्स पे किया है उस पर तो उसका पूरे 14 का रिफंड मिलेगा, उसमें आपके 10 रुपये जो थे जो आपने ITC के थ्रू पे किए वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं डालेंगे, पूरा कैश में रिफंड देंगे पूरा 14। और सेकंड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी पूरा रिफंड मिलता है साहब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये दो केस, एक तो डीम्ड एक्सपोर्ट वाला केस और जीरो रेटेड सप्लाई, इन दोनों पे अगर आपने सेल पे टैक्स पे किया तो पूरे 14 का कैश में रिफंड मिलेगा। यहाँ पे ITC और कैश लेजर में अलग अलग डिवाइड नहीं करेंगे बेटा। क्लियर? डन। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। कोई खास बात नहीं थी, टफ पॉइंट नहीं था। आइए अगले पेज पर, नेक्स्ट पेज नंबर 439। पेज नंबर 439 सर्कुलर अगेन मैंने रिपीट किया बेटा यहाँ पे। ये है वो इंटरेस्ट वाला सेक्शन, और अभी जब मैंने आपको पढ़ाया कि डिपार्टमेंट ने अपने इंटरनल ऑफिसेज के लिए इंस्ट्रक्शन इशू किया कि 60 डेज में रिफंड देना, तो 60 दिन में रिफंड मिलना चाहिए। रिफंड उसके अकाउंट में असेसी के अकाउंट में क्रेडिट होगा तो मानेंगे रिफंड मिला है उसको। इसलिए डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिसर्स को बोला क्या, 45 डेज के अंदर कोशिश करो कि आप रिफंड सेंक्शन ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर भी दे दें उसको, सो दैट 60 डेज में रिफंड कंप्लीट हो जाए और हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़े। ये मैंने रिपीट कर दिया अपन वापस यहाँ पे। आइए सर अगले पॉइंट की तरफ, जीरो रेटेड सप्लाई में जो फॉर्मूला होता है रिफंड क्लेम करने के लिए। सर जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है बेटा? या तो आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स या सर्विस और बोथ का, या फिर आपने ACZ की यूनिट या डेवलपर को कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी है तो उसको बोलते हैं क्या, जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई को अगर आपने किया है अंडर कवर ऑफ बॉन्ड या LUT, बॉन्ड या LUT के कवर में अगर आपने एक्सपोर्ट किया है या ACZ को सप्लाई किया, तो ऐसे केस में यू कैन सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, पर फिर भी उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का आपको ITC मिलता है, कैपिटल गुड्स का भी ITC मिलता है, पर रिफंड जो मिलता है वो इनपुट सर्विस का मिलता है। तो सर आपने अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT कुछ सप्लाई किया गुड्स और सर्विस और बोथ जीरो रेटेड सप्लाई, तो ऐसे केस में उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का रिफंड मिलता है अगर आपको ITC काम नहीं आता तो। अब रिफंड कितना मिलेगा उसके लिए प्रपोर्शन का फॉर्मूला था बेटा कि साहब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट ITC। तो नेट ITC तो होता है कितना, इनपुट और इनपुट सर्विस पे जो आपने रिलेवेंट पीरियड में क्रेडिट लिया वो। अब जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया बेटा इन्होंने, उसका इंपैक्ट आएगा इंडस्ट्री में, ध्यान देना बेटा। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो आपने अंडर द कवर ऑफ LUT या बॉन्ड किया है बेटा। हाँ है ना, पढ़ो। इसमें एक पॉइंट छोटा सा ऐड किया है, मस्त पॉइंट है, पर वो इस पेज के एंड में मिला होगा, पेज नंबर 441 के एंड में पॉइंट नंबर सी। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT, या तो पहले भी था ये वाला पॉइंट पहले भी था, और अब जो पॉइंट ऐड हुआ ध्यान देना, मतलब आपने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT जो भी गुड्स जीरो रेटेड सप्लाई किया है वो, या फिर द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच आर डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम सप्लायर और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर विच एवर इज लेस। आई रिपीट, मतलब क्या हो गया बच्चों, जो भी आपने एक्चुअल जीरो रेटेड सप्लाई किया है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी वो, या अगर वो सेम गुड्स आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचते, तो कितने में बेचते, या तो आप बेचते या आपका सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर बेचता, कितने में बेचता, उसका 1.5 टाइम्स विच एवर इज लेस। बच्चों मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मैक्सिमम वैल्यू का कैप लगा दिया बेटा। क्या होता है बच्चों, जैसे आपने कोई गुड्स 1 लाख में सप्लाई किया डोमेस्टिक मार्केट में और आपने जीरो रेटेड सप्लाई किया 1.75 लाख में बेटा,
तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस फॉर्मूला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर जो हम लेंगे वो होगा 1.5 लाख। कैसे? एक्चुअल एक्सपोर्ट जो आपने किया उसी गुड्स का किया 1.175 लाख में बेटा, पर वही गुड्स अगर डोमेस्टिक मार्केट में बेचते तो 1 लाख में बेचते बेटा, तो 1 लाख का 1.5 टाइम कितना होता बेटा? 1,50,000। तो 1,50,000 और 1,75,000 विच एवर इज लोअर, 1,50,000। तो गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हम रिफंड क्लेम देने के लिए मैक्सिमम 1.5 टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच आर सप्लाइड इन द डोमेस्टिक मार्केट इधर बाय द सेम सप्लायर और द सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर, वही हम लेंगे। कारण ये बेटा कि देखो यार, आज मान लो ये पेन मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और यही पेन डोमेस्टिक मार्केट में बेचता हूँ, समझना बात को बेटा। अब यही पेन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यही पेन मैं डोमेस्टिक मार्केट में बेच रहा हूँ, तो इसमें काम आने वाले इनपुट और इनपुट सर्विस तो सेम है ना यार। अब इसमें काम आने वाला इनपुट और इनपुट सर्विस सेम है, तो सर मान लो दो पेन थे, फॉर एग्जाम्पल दो पेन थे, एक आपने एक्सपोर्ट किया एक आपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचा, और मान लो दोनों सेम पेन है बेटा, ओके मान लो ना रेवे होशियारी। अब सर दोनों पेन अगर सेम है तो इसमें जितना इनपुट और इनपुट सर्विस काम आया उतना इसमें भी काम आया बेटा। अब आपने ये एक्सपोर्ट किया और जो भी मान लो यार, एक एक्सपोर्ट किया और एक लोकल मार्केट में बेचा, अब आप क्या कर रहे हो? टर्नओवर के बेस पे प्रोपोर्शन कर रहे हो बेटा। अब एक्सपोर्ट का टर्नओवर मान लो हायर है, इसका टर्नओवर कम है बेटा, ये डोमेस्टिक मार्केट में कम प्राइस में बेचा, ये एक्सपोर्ट आपने हायर प्राइस में किया, तो सर प्रोपोर्शन के हिसाब से रिफंड ज्यादा बन जाएगा ना आपका। जबकि देखा जाए तो इनपुट और इनपुट सर्विस तो सेम काम है, और प्रोपोर्शन जो हो रहा है वो टर्नओवर के रेशियो में हो रहा है बेटा। अब एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी करते हैं बेटा, तो एक्सपोर्ट का वैल्यू अगर हायर हुआ तो ज्यादा रिफंड मिल जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं नहीं हम रिफंड देंगे आपको, नो डाउट, पर हम जो एक्सपोर्ट का टर्नओवर लेंगे वो मैक्सिमम 1.5 टाइम्स ऑफ द सेम गुड्स विच आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट उतना ही लेंगे बेटा। क्लियर? सुनिए वापस ध्यान से, सर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर क्या होगा बेटा? मींस द वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द बॉन्ड और एलयूटी और द वैल्यू विच इज 1.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस्ड सप्लायर इज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर विच एवर इज लेस। ओके अभी समझ में आया थीम बेटा इसका? Other than the turnovers of supplies, in respect of which refund is claimed under sub-rule number 4A or sub-rule number 4B or both, beta. Clear? Sub-rule number 4A क्या है? Deemed export के केस में आपने refund लिया हो बेटा, हाँ है ना बच्चों? तो सर उसको छोड़ के बाकी के input और input service का आपको refund मिलता है। Sub-rule number 4B क्या कहता है बेटा? आपने याद है बेटा 0.1% tax pay करो अगर आप परचेस करके डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो बेटा, डायरेक्ट वहाँ से परचेस करके ऐसे डायरेक्ट पोर्ट ले आते हो गुड्स, वहाँ पे 0.1% कंसेशन रेट पे टैक्स पे करो आप केवल और एक्सपोर्ट कर दो साहब, हाँ है ना? वहाँ रिफंड ले लिया, वहाँ अगर आपने सर एक्सपोर्ट कर दिया तो रिमेनिंग जो आपका टर्नओवर होगा उसका आपको रिफंड मिल जाएगा। ये रूल में 4A 4B ने उस तरह की बातें कही बेटा। 4B ने एक बात और कही कि आपने इंपोर्ट किया विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, क्लियर, एडवांस ऑथोराइजेशन वगैरह लेके बेटा, तो ऐसे केस में या EOU वगैरह हो तो वहाँ पे आपको बेनिफिट ऑलरेडी मिल गया है तो वापस दूसरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिपीट नहीं करेंगे बेनिफिट को, इसलिए सब रूल में 4A और 4B का टर्नओवर को हटा दूँ। क्लियर? बाकी का टर्नओवर एड कर देंगे बेटा। वापस पढ़ो सर। तो सर कुल मिला के सब रूल नंबर 4A और 4B में अगर आप ऑलरेडी रिफंड ले चुके हो तो उसको हटा दो बेटा, बाकी के अमाउंट के रिफंड के लिए हम टर्नओवर काउंट कर लेंगे। सर देखने ध्यान से बेटा, टर्नओवर ऑफ दी कुल मिला क्या होगा? टर्नओवर ऑफ दी जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा बेटा? जो भी आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया है या SEZ को सप्लाई किया है अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या LUT विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, वो टर्नओवर, या फिर 1.5 टाइम्स ऑफ दी वैल्यू ऑफ लाइक गुड्स विच आर डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय इधर बाय द सेम सप्लायर और सिमिलरली प्लेस सप्लायर एज डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर हिमसेल्फ। सप्लायर खुद बताएगा कि ये मेरा सिमिलरली प्लेस सप्लायर, मतलब ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये इस प्राइस बेचता है बेटा उसका 1.5 टाइम्स। क्लियर? पर दिस टर्नओवर विल एक्सक्लूड सच टर्नओवर जिसमें ऑलरेडी आप सब रूल नंबर 4A या सब रूल नंबर 4B का रिफंड क्लेम कर चुके हो बेटा, हाँ है ना? तो ये हो गया क्या जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर जिसकी डेफिनेशन में अमेंडमेंट था, ये मैंने पढ़ा दिया। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा। क्लियर? तो कुल मिला के 1.5 टाइम्स वाला प्रोविजन एक रेस्ट्रिक्शन ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने और बोल दिया सब रूल नंबर 4A और 4B के टर्नओवर का अगर आप रिफंड ले चुके उन रूल में तो यहाँ पे उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑब्वियस बात है बेटा। क्लियर? डन। आइए, तो एक था जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर का डेफिनेशन खत्म होता है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे बैठा, नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखो, नेक्स्ट पेज में मैंने रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B दिया है आपकी रेफरेंस के लिए बेटा, वो आप चाहे तो रेफर कर सकते हो, अमेंडमेंट नहीं है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट आपको टॉपिक मिला होगा जहां मैंने लिखा है PTO, पेज नंबर 442। PTO मतलब इसके नेक्स्ट पेज पे अमेंडमेंट है, इस पेज पे अमेंडमेंट नहीं है, पर टॉपिक लिंक होना चाहिए, इसलिए मैंने ये पेज भी दिया आपको। हेडिंग क्या बेटा? रिफंड ऑफ
इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, रूल नंबर 96। अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया और उसके एक्सपोर्ट पे आपने आईजीएसटी पे किया, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, या तो बॉन्ड या एलओडी साइन करो और सेल पे टैक्स पे मत करो, या फिर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे कर दो फिर उसका रिफंड ले लेना। तो अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पर आईजीएसटी पे किया, बॉन्ड एलओडी साइन नहीं किया, आईजीएसटी पे किया और उस 14 जो आपने 14 क्या बेटा सेल पे टैक्स लगता है बेटा, वो मान लो आपका सेल जो था वो 140 का था, उस पर 10% टैक्स है, मान लो 14 रुपी, क्लियर। तो सेल पे जो आपने टैक्स पे किया आईजीएसटी, उस पूरे 14 का आप रिफंड अगर क्लेम कर रहे हो तो बिल्कुल ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर नेक्स्ट पेज पे आके देखिए, यहाँ पे एक हेडिंग दिया है द रिफंड ऑर्डर, फर्स्ट लाइन देखिए बेटा, अमेंडमेंट वाला नहीं, फर्स्ट लाइन देखो टॉपिक में, पेज नंबर 443 की फर्स्ट लाइन, द रिफंड ऑर्डर अंडर दिस रूल इज नॉट अलाउड टू द पर्सन हु हैज क्लेम्ड द फॉलोइंग बेनिफिट्स। सर अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किया है विदाउट कवर ऑफ बॉन्ड या एलओडी, तो आपने आईजीएसटी पे किया होगा और उस आईजीएसटी का पूरा आप रिफंड ले सकते हो बेटा, सेल पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड ले सकते हो, पर वो रिफंड इन फॉलोइंग 3 केस में नहीं मिलता है। फर्स्ट, इसमें केवल थर्ड पॉइंट में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है, पर मैं तीनों पॉइंट पढ़ रहा हूँ सो दैट आपको लिंक हो जाए पॉइंट। अच्छा, ये वाला रिफंड नहीं मिलता 3 केस में, कौन कौन से बेटा, रिसीट ऑफ सप्लाईज अंडर डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट्स। मतलब अगर आपने कुछ ऐसा परचेज किया है जिसपे सप्लायर ने डिम्ड एक्सपोर्ट का बेनिफिट लिया हुआ है साहब, तो ऐसे केस में आपकी सेल पर आप आईजीएसटी का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एपीसी स्कीम। कैपिटल गुड्स हुआ तो चल जाएगा बेटा, क्योंकि कैपिटल गुड्स लॉन्ग टर्म काम आता है। सेकंड, रिसीट ऑफ सप्लाईज अंडर बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 40 ऑफ 2017 ऑफ सेंट्रल टैक्स और 41 ऑफ 2017 ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, दैट इज इनवर्ड सप्लाईज एट कंसेशन रेट ऑफ 0.1%, याद है बेटा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 0.05% और आईजीएसटी है तो 0.1%, याद है। आपने सप्लायर से गुड्स परचेज किया और डायरेक्ट पोर्ट लेकर वही से एक्सपोर्ट कर दिया, तो यू कैन परचेज द गुड्स एट कंसेशन रेट ऑफ 0.1%, पर ऐसे केस में आपको जो गुड्स एक्सपोर्ट करना है वो अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलओडी साइन करना करके भेजना, एक्सपोर्ट करना। अगर आपने उस पर आईजीएसटी पे कर दिया तो उस आईजीएसटी का आपको रिफंड नहीं मिलेगा, परचेज किया 0.1% में, अब आप एक्सपोर्ट जो करोगे वो अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलओडी करना। अगर आपने ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट किया तो आईजीएसटी का रिफंड नहीं देंगे बेटा, 0.1% इनवर्ड पे करो और एक्सपोर्ट करते वक्त बॉन्ड या एलओडी साइन कर देना, वरना एक्सपोर्ट पे अगर आपने टैक्स पे कर दिया पूरा तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा। हाँ, आपने बॉन्ड या एलओडी साइन किया, यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, परचेज पे 0.1% टैक्स पे किया, वो 0.1% का आपको आईटीसी मिल जाएगा या उसका रिफंड मिल सकते हो जो आपको नॉर्मल कोर्स में मिलता है बेटा, वो क्लियर। सर थर्ड, जहां पे आपको सेल पे जो आपने आईजीएसटी पे किया एक्सपोर्ट पर उसका रिफंड नहीं मिलता है, कब, इंपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस इफ इंपोर्टेड बाय ईयूयू और अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और अंडर एपीसी स्कीम एक्सेप्ट रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एपीसी स्कीम। अगर आप ईयूयू हो या आपने एडवांस ऑथराइजेशन या एपीसी स्कीम के थ्रू कुछ इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया है विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी सेस या आईजीएसटी, तो सर आपने अगर उसी गुड्स को एक्सपोर्ट किया है, अगर आपने उन गुड्स को या उससे बनने वाले गुड्स को एक्सपोर्ट किया है ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो आईजीएसटी का रिफंड नहीं मिलता बेटा। तो आपके पास ऑप्शन क्या है बेटा, कि आप विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करें अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलओडी। तो ये 3 केसेस है बेटा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप परचेज पे ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हो, आपने इनवर्ड सप्लाई पे ऑलरेडी टैक्स का बेनिफिट ले लिया, तो आपको ऑप्शन जो एक्सपोर्ट के लिए दिया है वो बॉन्ड या एलओडी का ही दिया है। आपने एक्सपोर्ट पे अगर टैक्स पे कर दिया आईजीएसटी, बॉन्ड एलओडी साइन नहीं किया, तो ऐसे केस में उस आईजीएसटी का हम आपको रिफंड क्लेम नहीं देंगे। 3 पॉइंट वापस बोलता बेटा, फिर मैं पॉइंट ऐड कर दूंगा आपका लास्ट में, कौन कौन से, आपने डीम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट वाला इनवर्ड सप्लाई लिया है, सेकंड आपने कंसेशन रेट 0.1% वाला इनवर्ड सप्लाई लिया है, या आपने सर 100% ईयूयू हुआ बेटा, या एडवांस ऑथराइजेशन या एपीसी स्कीम में आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस, तो ऐसे केस में आपने एक्सपोर्ट करना है तो बॉन्ड या एलडी साइन करके विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ही एक्सपोर्ट करना, आईजीएसटी अगर एक्सपोर्ट पे कर दिया तो आईजीएसटी का रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा। पर थर्ड पॉइंट में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया और बोल दिया क्या, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स किया अंडर एडवांस ऑथराइजेशन या अंडर एपीसी स्कीम या ईयूयू, अगर आप हो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया और उस पर अगर आपने आईजीएसटी पे किया या जीएसटी कंपनसेशन पे किया, केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी का ही आपने बेनिफिट लिया, तो ऐसे केस में दिक्कत नहीं बेटा, आपने परचेज पर जीएसटी का बेनिफिट नहीं लिया, तो आप सेल पे आईजीएसटी पे करो और उसका रिफंड क्लेम करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर डन। देखो पॉइंट नंबर 3 में क्या पॉइंट रेडी हुआ है, पूरा पॉइंट पढ़ लो एक बार बेटा, रिफंड कब नहीं मिलता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस इफ इंपोर्टेड बाय ईयूयू और अंडर एडवांस ऑथराइजेशन और एपीसी स्कीम एक्सेप्ट रिसीट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर एपीसी स्कीम। इस केस में एक्सपोर्ट अगर आपने आईजीएसटी पे करके किया है तो रिफंड नहीं मिलता आईजीएसटी का, पर एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है,
However, this restriction shall not apply where registered person has paid IGST and GST compensations on inputs and has availed exemption of only and only basic customs duty. मतलब आपने एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट लिया, ईपीसी स्कीम का बेनिफिट लिया, या आप ईयूयू हो तो आपने जो बेनिफिट लिया वो केवल और केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी का लिया है, आपने आईजीएसटी और जीएसटी से पे किया तो सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उन गुड्स को या उससे बनने वाले गुड्स को आप एक्सपोर्ट करते हो ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी तो हम आपके सेल पे जो आईजीएसटी पे किया उसका रिफंड दे देंगे। पर अगर आपने इनवर्स अप्लाई पे जीएसटी का बेनिफिट लिया, जीएसटी पे नहीं किया तो हम आपको एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अलाउ नहीं करेंगे और अगर आपने आईजीएसटी पे किया तो उसका रिफंड अलाउ नहीं होगा। क्लियर, डन, ओके। माहौल सरकार, आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 96B, बच्चों ड्यूटी ड्रॉबैक में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कस्टम्स में कि अगर आप कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हो और आपने ड्रॉबैक ले लिया पर आरबीआई ने जो टाइम लिमिट दिया अंडर फेमा उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर अगर कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव नहीं होता है तो आपको वो ड्रॉबैक का अमाउंट वापस देना पड़ेगा, वो भी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और बाद में अगर रिकवरी हो जाती आपकी, बाद में अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिकवरी कर लिया आउट ऑफ इंडिया से तो बाद में वापस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, ड्रॉबैक के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोविजन रूल नंबर 96B के थ्रू यहाँ पे ऐड कर दिए बेटा। हेडिंग पढ़िए, देखो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, रिफंड क्यों दिया बेटा एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। एक्सपोर्ट को प्रमोट क्यों किया, सो दैट फॉरेन करेंसी आए। अब भाई पैसे ही डूब गया, अब ऐसे आदमी को प्रमोट करना चाहिए क्या, देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने लगे बेटा लोग। तो गवर्नमेंट बोल दिया वहाँ पे हम आपको बेनिफिट नहीं देंगे और बेनिफिट दिया है हमने रिफंड का तो हम आपसे वापस से रिकवरी करेंगे बेटा। देखिए रूल नंबर 96B रिकवरी, हेडिंग पढ़िए, रिकवरी ऑफ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी और आईजीएसटी पेड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रियलाइज्ड। अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड रियलाइज नहीं हुई तो हमने जो आपको इनपुट स्टेज पे जो आपने इनपुट टैक्स का रिफंड लिया है वो, या अगर आपने एक्सपोर्ट पे आईजीएसटी पे करके उसका रिफंड लिया तो जो भी हमने रिफंड दिया उसका हम आपको वापस से पेमेंट ले लेंगे, आपसे रिकवरी कर लेंगे बेटा। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिकवरी नहीं हुआ तो ये हेडिंग है बेटा। अब मैं बताता हूँ रूल नंबर 1 और 2 में क्या लिखा बेटा। सुना बच्चों, ये लिखा है अगर कोई भी पर्सन ने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया, देखो सर्विसेज को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि सर्विसेज को एक्सपोर्ट टर्नओवर में तभी काउंट करते हैं जब सर्विसेज का पेमेंट रिसीव होता है, याद है बेटा। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या होता है टर्नओवर का फिगर, पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए, सर्विस भी कंप्लीट हो जानी चाहिए बेटा, याद है बेटा। तो ही एक्सपोर्ट टर्नओवर सर्विसेज मानते बेटा। तो एक्सपोर्ट में तो वैसे भी रिफंड नहीं मिलता अगर सर्विसेज का पेमेंट नहीं आता, तो गुड्स के केस में ऐसा कंडीशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर रूल नंबर 96B ऐड करके गुड्स के लिए रूल लेके आ गए बेटा। क्योंकि गुड्स केस में आपका फॉरेन करेंसी नहीं भी आया क्योंकि वहाँ पे उधार बहुत चलता है तो हम आपको रिफंड दे देंगे, पर बाद में अगर आरबीआई ने जो टाइम लिमिट दिया है अंदर फेमा तो हम आपसे वापस से वो रिफंड का बेनिफिट का जो अमाउंट दिया आपको हमने वो वापस से रिकवरी कर लेंगे। ये थीम है इसका, सुनिए ध्यान से। अगर आपने अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम किया है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, या आपने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे किया है, बॉन्ड या एलईडी साइन नहीं किया था और आपने आईजीएसटी पे किया, मतलब मैं मानता हूँ 10 का क्रेडिट था, 4 आपने कैश पे किया, क्लियर, टोटल 14 पे किया है तो फिर, या 14 पे नहीं किया बॉन्ड और एलईडी साइन किया था, 14 क्या बेटा आपकी सेल की लायबिलिटी 14 की, 10 का आपके पास आईटीसी है तो 10 आपने आईटीसी यूज़ किया, बैलेंस 4 पे किया तो टोटल 14 पे कर दिया। पर अगर आपने बॉन्ड या एलईडी साइन किया होता तो 14 पे नहीं किया होता, सेल पे टैक्स पे नहीं किया होता, केवल इनपुट पे 10 रुपये जो पे किया उसका रिफंड लिया था बेटा। तो कोई भी केस हो, भले आपने बॉन्ड साइन किया था या नहीं किया था, एक्सपोर्ट पे टैक्स पे किया था तो एक्सपोर्ट पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड लिया होगा, एक्सपोर्ट पे टैक्स पे नहीं किया होगा, बॉन्ड या एलईडी साइन किया होगा तो उसमें काम आने वाले इनपुट सर्विस का आपने आईटीसी लेके उसका रिफंड लिया होगा। तो अगर आपने ये रिफंड लिया और उसके बाद आपने वो एविडेंस डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं किए रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, तो ऐसे केस में साहब जिस दिन वो टाइम लिमिट खत्म होती है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो अमाउंट ऑफ बेनिफिट, अमाउंट ऑफ रिफंड गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा, वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से बेटा, जिस दिन आपको वो पेमेंट, जिस दिन गवर्नमेंट ने आपको रिफंड दिया था उस दिन से लेके जब आप गवर्नमेंट को वापस से रिफंड देंगे, गवर्नमेंट को वापस से पेमेंट देंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और सर ध्यान देना बेटा 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। पर सुनना बच्चों ध्यान से, वापस सुनना बेटा, अगर आपने कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट किया और उसका फॉरेन करेंसी, उसका पेमेंट रियलाइज नहीं हुआ विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ऐसे केस में
जितना प्रोपोर्शनल अमाउंट आपका रिकवरी नहीं हुआ उतना प्रोपोर्शनल रिकवरी करेंगे। जैसे 1 करोड़ का सेल था से 75 लाख रिकवरी हो गया, 25 लाख रिकवरी नहीं हुआ, तो 25% ही आपका क्या होगा पेमेंट आपको गवर्नमेंट को वापस देना है बेटा। मतलब फुल अमाउंट बेड डेट हो गया तो पूरा अमाउंट ऑफ रिफंड गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा आपको। कुछ प्रोपोर्शनल अमाउंट आपका रिकवरी नहीं हुआ तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना नहीं आया उतना प्रोपोर्शनेट ही रिफंड आपको गवर्नमेंट को वापस से पे बैक करना पड़ेगा। ओके सुना बेटा ध्यान से वापस से, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा आपको कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिकवरी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में जो भी रिफंड का बेनिफिट आपने लिया था उसको आपको गवर्नमेंट को वापस लौटाना पड़ेगा, वो अमाउंट आपको गवर्नमेंट को वापस पे करना पड़ेगा विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट। सर कौन सा डेट? जिस दिन वो टाइम लिमिट एक्सपायर हुआ अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा उसके 30 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट वापस पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट। अच्छा कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? जितना प्रोपोर्शनेट रिकवरी नहीं हुआ उतना प्रोपोर्शनेट आपको अमाउंट गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा वो भी अलोंग विथ इंटरेस्ट। पर अगर आपने 30 दिन के अंदर अमाउंट नहीं दिया तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 और 74 यूज करके डिपार्टमेंट क्या करेगा? आपसे रिकवरी करेगा बेटा। हाँ है ना बच्चों? अच्छा गवर्नमेंट चाहे तो 30 दिन के वक्त को थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकता है बेटा, कि जो आरबीआई का टाइम लिमिट था उसके 30 दिन के अंदर आपको पैसा देना है प्लस एक्सटेंशन अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दिया तो। क्लियर डन। और हाँ एक बात और, गवर्नमेंट चाहे तो आरबीआई सुना ध्यान से, आरबीआई चाहे तो केस टू केस बेसिस पे मेरिट्स देखते हुए कंडीशन ऑफ रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज को वेव ऑफ कर सकती है। जैसे ड्रॉबैक में था बेटा कि ठीक है नहीं आया फॉरेन एक्सचेंज जान दे जा, इफ द आरबीआई हैज गिवन द परमिशन कि ठीक है जाने दो, इफ आरबीआई हैज वेव्ड ऑफ द कंडीशन, वेव कर दिया वेव्ड ऑफ द कंडीशन ऑफ रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसे केस में साहब आपका पैसा भले ही बेड डेट हो गया, पैसा रिकवरी नहीं हुआ विद इन द टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा, तो भी कोई बात नहीं हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे। क्लियर? तो सर आपको एक ऑप्शन दिया कि अगर आपके केस आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो ऑन मेरिट बेसिस आप चाहे तो आरबीआई से एक परमिशन लेके आ जाए कि ठीक है नहीं आया पैसा जान दे, इफ आरबीआई हैज वेव्ड ऑफ द कंडीशन ऑफ रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज, तो ऐसे केस में आपका पेमेंट बाहर से रिकवर नहीं हुआ तो भी आपसे हम रिफंड के अमाउंट की रिकवरी नहीं करेंगे। एंड लास्ट बोलता है अगर हमने कभी आपसे रिकवरी कर ली, जैसे आपका पेमेंट नहीं आया बाहर से विद इन टाइम लिमिट, हमने आपसे रिफंड का अमाउंट वापस ले लिया, और बाद में अगर पेमेंट वापस आ गया फॉरेन एक्सचेंज आपको आउट ऑफ इंडिया से बाद में रिकवर हो गया, तो जितना अमाउंट आपको रिकवर हो गया उतना प्रोपोर्शन हम आपको वापस रिफंड अलाउ कर देंगे। आप वापस रिफंड अप्लाई कर देना विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकवरी फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया बेटा। जिस दिन आउट ऑफ इंडिया से आपको फॉरेन करेंसी रिकवरी हो गया है उसके 3 महीने में आप हमको वापस रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं साहब, हम आपको उतना प्रोपोर्शन अमाउंट जो आपका रिकवरी हुआ उतना प्रोपोर्शन रिफंड आपको वापस अलाउ कर देंगे। प्लस यह बोल दिया कि जो फॉरेन एक्सचेंज बाद में रिकवरी होगा ये शुड बी रिकवर्ड विद इन टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई अंडर फेमा। तो आरबीआई क्या करता है कई बार टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देता है बेटा, और उस टाइम लिमिट के अंदर आपको बाद में पेमेंट अगर वापस आ गया है तो आप वापस जिस दिन रिकवरी हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के 3 महीने में रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, हम उतना प्रोपोर्शन अमाउंट आपको वापस रिफंड कर देंगे। भारत माता की जय। कुल मिलाकर ये बोल दिया कि गुड्स के केस में फॉरेन एक्सचेंज आ जाना चाहिए विद इन टाइम लिमिट अलाउड बाय आरबीआई, नहीं आया तो हम आपसे बेनिफिट जो हमने आपको रिफंड दिया वो आपसे रिकवरी कर लेंगे, और बाद में अगर वो पेमेंट बाद में आपको वापस रिकवरी हो जाता है तो हम आपको वापस रिफंड दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आरबीआई ने कंडीशन ऑफ रिसीविंग द फॉरेन एक्सचेंज को वेव ऑफ कर दिया है तो ऐसे केस में हम आपसे रिकवरी नहीं करेंगे। क्लियर डन। भारत माता की जय। आई होप यू गॉट द पॉइंट। शिद्दत से माहौल जबरदस्त सरकार। आइए अगला पॉइंट पेज नंबर 448 चैप्टर नंबर 15 सेक्शन नंबर 62। इसमें एक सर्कुलर ऐड हुआ है। सर्कुलर तो क्या ऐड हुआ है बेटा, उसमें दिया है कि प्रोसीजर क्या होगा गवर्नमेंट की वर्किंग का, वो दिया है बेटा। पहले सेक्शन समझेंगे फिर सर्कुलर समझ में आएगा। सेक्शन क्या बेटा? सेक्शन नंबर 62 असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बाय प्रॉपर ऑफिसर। बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो भी अमेंडमेंट हम पढ़ रहे हैं उसका पहले बैकग्राउंड दूँ कि क्या सेक्शन था क्या रूल था, फिर हम उसका अमेंडमेंट पढ़े, ठीक है? क्लियर? आप चाहे तो इन लेक्चर्स को देखो, टॉपिक्स हर अमेंडमेंट अलग अलग टॉपिक का है बेटा। आप चाहे तो इन लेक्चर्स को पॉज करके भी देख सकते हो बेटा, कि आपको अगर पुराना पॉइंट एकदम क्लिक नहीं करा तो पहले पुराने पॉइंट को देखना, आपकी बुक से रेफर करना। वैसे मैं कोशिश करूँगी पूरा एक्सप्लेन कर दूँ बेटा आपको, फिर भी पहले आप पुराना पॉइंट जरूर देखिएगा अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है पॉइंट तो,
और फिर ये अमेंडमेंट देखिएगा बेटा, ओके माहौल। सेक्शन नंबर 62 ये कहता है असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स। बच्चों मैं पूरा सेक्शन बोलता हूँ बेटा पहले आपके लिए। ये बोला है कि अगर कोई असेसी रिटर्न फाइल नहीं करता टाइमली, कोई असेसी अगर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करता है तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेक्शन 46 में लिखा था कि आपको एक नोटिस इश्यू करेगा और नोटिस इश्यू करके बोलेगा कि नेक्स्ट 15 डेज में रिटर्न सबमिट कर देना, और उस नेक्स्ट 15 डेज में भी रिटर्न सबमिट नहीं किया तो ये सेक्शन नंबर 62 का पावर आ जाता है प्रॉपर ऑफिसर के पास, और प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो चाहे तो फिर अवेलेबल इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पर अपना बेस्ट जजमेंट यूज करके वो डिपार्टमेंटल ऑफिसर असेसमेंट करेगा, और जो असेसमेंट का ऑर्डर वो पास करेगा वो फाइनल हो जाएगा आपके लिए बेटा। पर हाँ, इसमें भी ये बोल दिया है कि अगर आपने ये असेसमेंट ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर सारा टैक्स लायबिलिटी पे कर दिया है, आपने खुद ने सेल्फ असेसमेंट जो नहीं किया था आपने कर दिया, रिटर्न फाइल कर दिया, टैक्स इंटरेस्ट लेट पेमेंट फी सब पे कर दिया है, तो इनका जो असेसमेंट ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक, और आपने जो सेल्फ असेस करके रिटर्न सबमिट कर दिया है वो ही माना जाएगा बेटा। क्लियर, ये सेक्शन नंबर 62 है, ये हमने पढ़ा था बेटा, हाँ है ना बच्चों। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट सर्कुलर देके बोल दिया कि हम ये काम करेंगे कैसे सब, तो सर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP क्या हो रहेगा हमारा, देखिए सर पेज नंबर 448, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न्स। हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे सो दैट डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर्स उस प्रोसीजर को फॉलो करें और असेसी को भी पता रहे कि इस तरह का एक्टिंग एक्ट होगा डिपार्टमेंट तरफ से। ओके, फर्स्ट क्या पॉइंट है सर, प्रिफरेबली अ सिस्टम बेस्ड मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल रजिस्टर्ड पर्संस 3 days बिफोर द ड्यू डेट टू नज देम अबाउट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड बाय द ड्यू डेट। साहब आपको जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगा उसके 3 दिन पहले एडवांस में एक मैसेज आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई रिटर्न फाइल कर देना टाइमली। सेकेंड, वंस द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 इज ओवर और आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं किया, अ सिस्टम जनरेटेड मेल और मैसेज वुड बी सेंड टू ऑल द डिफॉल्टर्स इमीजिएटली आफ्टर द ड्यू डेट टू द इफेक्ट दैट द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड हिज रिटर्न फॉर द सेड टैक्स पीरियड। बेटा द सेड मेल और मैसेज विल बी सेंड टू द ऑथराइज सिग्नेटरी एज वेल एज द प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर कर्ता एटसेट्रा। बेटा मालिक को भी पता पड़ना चाहिए बेटा। एंड अब साहब जैसे ही आपने ड्यू डेट गई, रिटर्न फाइल नहीं किया, डिपार्टमेंट ने ऑटोमेटिक मेल भेज दिया आपको बेटा या मैसेज भेज दिया, उसके बाद 5 दिन बाद, थर्ड पॉइंट, 5 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न अ नोटिस इन फॉर्म नंबर GSTR 3A, ये नोटिस आ गया कि अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट कर देना बेटा, अ नोटिस इन फॉर्म नंबर GSTR 3A अंडर सेक्शन नंबर 46 ऑफ द CGST एक्ट रेड विद रूल नंबर 68 शैल बी इश्यूड इलेक्ट्रॉनिकली टू सच रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश सच रिटर्न विद इन 15 days। बेटा साहब आपको ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो था बेटा उसे जाने के बाद 5 दिन के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको नोटिस भेज देगा इन फॉर्म नंबर GSTR 3A और बोल देगा अगले 15 दिन में रिटर्न सबमिट कर देना। अब अगर 15 दिन में रिटर्न सबमिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 15 days में भी रिटर्न सबमिट नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करेगा डिपार्टमेंट। और हाँ यहाँ पे साफ लिख दिया है कि 15 days में भी अगर असेसी ने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो विदाउट गिविंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन या विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के बेस पे बेस्ट जजमेंट कर सकता है। बच्चों ये मत समझना डिपार्टमेंट आपको और भेजेगा नोटिस कि साहब हम बेस्ट जजमेंट कर रहे हैं, नहीं भेजेगा नोटिस, लिख दिया साफ। पॉइंट नंबर 3A जो GSTR 3A जो फॉर्म था बेटा, रिमाइंडर भेजा ना आपको कि 15 दिन में रिटर्न फाइल कर देना, अब कौन सा फर्दर कम्युनिकेशन, कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 बोलता है इन केस द सेड रिटर्न इज स्टिल नॉट फाइल्ड बाय द डिफॉल्टर विद इन 15 days ऑफ द सेड नोटिस द प्रॉपर ऑफिसर मे प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 62 ऑफ द CGST एक्ट टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रिलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही हैज गैदर्ड एंड वुड इशू असेसमेंट ऑर्डर। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट के बेस पे अपना बेस्ट जजमेंट करके असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा। द प्रॉपर ऑफिसर वुड देन बी रिक्वायर टू अपलोड द समरी देयर ऑफ, वो समरी भी अपलोड करेगा सब असेसमेंट ऑर्डर की बेटा। ओके, फर्दर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्दर नो सेपरेट नोटिस इज रिक्वायर टू बी इश्यूड फॉर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर दिस सेक्शन एंड इन केस ऑफ फेलियर टू फाइल द रिटर्न अंडर सेड 15 days ऑफ द इश्यूएंस ऑफ फॉर्म नंबर GSTR 3A जो नोटिस भेजा उसके 15 days में भी रिटर्न सबमिट नहीं किया, द बेस्ट जजमेंट ऑर्डर कैन बी इश्यूड विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। पर हाँ ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आने के 30 दिन के अंदर
आप सुधर गए और आपने रिटर्न सबमिट कर दिया, तो ये विड्रॉ हो जाएगा। ये लिखा पॉइंट नंबर 5 में, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 6 में लिखा, पॉइंट नंबर 5 में लिखा कि असेसमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट कहाँ से ला सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन नंबर 62 ऑफ द CGST एक्ट, द प्रॉपर ऑफिसर मे टेक इन टू अकाउंट द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज अवेलेबल इन स्टेटमेंट फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 37, दैट इज GST 1। आपने GST 1 सबमिट किया होगा बेटा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। प्लस 2A में आया हुई इन्फॉर्मेशन, डिटेल्स ऑफ सप्लाईज ऑटो पब्लिटेड इन GST 2A, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम EV बिल्स और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एनी अदर सोर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 71 और एनी अदर इन्फॉर्मेशन। ये सब इन्फॉर्मेशन यूज करेगा बेस्ट जजमेंट करने के लिए। अच्छा, अब ऑर्डर पास कर दिया। इन केस, पॉइंट नंबर 6, इन केस द डिफॉल्टर फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न, अगर वो वैलिड रिटर्न, वैलिड रिटर्न किसको बोलते हैं, जब टैक्स इंटरेस्ट सब कुछ पे हो गया बेटा आपका। इन केस द डिफॉल्टर फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न विद इन 30 days ऑफ द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर, द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विड्रॉन इन टर्म्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 62 ऑफ द CGST एक्ट बेटा। हाँ है ना। एंड पर अगर आपने इस 30 दिन में भी रिटर्न सबमिट नहीं किए, डिफॉल्ट को रेक्टिफाई नहीं किया, तो लग गए। तो ऐसे केस में, हाउएवर इफ द सेड रिटर्न रिमेन्स अनफर्निश्ड विद इन द स्टेचुरी पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, देन द प्रॉपर ऑफिसर मे इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन नंबर 78 और एंड रिकवरी अंडर सेक्शन नंबर 79 ऑफ द CGST एक्ट बेटा। अब रिकवरी चालू कर देगा क्योंकि ऑर्डर पास हो गया, 30 दिन में आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, मतलब जो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास किया वो फाइनल हो गया। अब फाइनल हो गया तो पैसे दो बेटा, अगर आपने पैसा दे दिया ठीक है, नहीं तो रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट बेटा। क्लियर, डन। प्लस दो नोट और दिए बेटा, ये सब सर्कुलर डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा उसके लिए बेटा। सेकंड है नोट्स, द अबोव जनरल गाइडलाइंस मे बी फॉलोड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। एंड जहां डिपार्टमेंट लगता है कि असेसी भाग जाएगा, तो चाहे तो आपकी प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच कर सकता है बेटा। क्लियर, जो आगे सेक्शन था बेटा। इन डिजर्विंग केसेस बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस द कमिश्नर मे रिसोर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू अंडर सेक्शन नंबर 83 ऑफ द CGST एक्ट इवन बिफोर इशुएंस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर बेटा। अगर कमिश्नर को लगता है कि पैसा डूब जाएगा, तो टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, वो चाहे तो कमीशन चाहे तो आपकी प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच भी करवा सकता है बेटा। क्लियर, इसमें सेक्शन नंबर 83 बेटा, बस वो लिंक किया है, कुछ नहीं किया। एंड फर्दर पता है, अगर किसी एसएस ने 6 महीने तक रिटर्न सबमिट नहीं किए, तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल होता है बेटा पॉइंट, तो यहाँ पे उसको भी लिंक कर दिया। फर्दर द प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन अंडर सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन 2 फॉर कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन इन केसेस वेयर द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 29। हाँ ना बच्चों, तो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला प्रोविजन भी यहाँ पे रिपीट कर दिया बच्चों। इसी के साथ भारत माता की जाए, तो एक सर्कुलर दिया कि हम किस तरह से वर्किंग करेंगे अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए तो। क्लियर, कोई टफ पॉइंट नहीं था, कोई सिंपल पॉइंट था बेटा। प्रोसेसर बताया डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे रहेगी, SOP। आइए अगला पॉइंट, अगला पेज पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी बेटा, रिपीट किया मैंने पॉइंट। देखिए पेज नंबर 461 मिला होगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। याद है बेटा, ऑडिट कराना पड़ता है जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस होता है उसका बेटा। पर जो मैंने पढ़ाया था आपको रिटर्न चैप्टर में, कि जिसका 18-19 फाइनेंशियल में 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस होगा, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होगा, उसी को ऑडिट कराना है फाइनेंशियल 18-19। प्लस फॉरेन कंपनी, जो एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने कंपनीज एक्ट का कंप्लायंस किया है, उनको भी GST 9C सबमिट करने की जरूरत नहीं है, बस उनको प्रैक्टिसिंग CA से एक स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस वो सबमिट करना पड़ेगा ऑन और बिफोर 30 सितंबर आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और हर जितने भी GST नंबर है उनके लिए सेपरेट रिसीट एंड पेमेंट का स्टेटमेंट होगा बेटा। क्लियर, ये रिपीट किया, टॉपिक रिपीट हो रहा था, इसलिए मैंने पेज भी वापस आपको दे दिया, सो दैट आपकी बुक में आप अमेंड कर पाए बेटा इसको। माहौल आइए सरकार, पेज नंबर 476 पर EV बिल का एक बहुत खास पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 138E बच्चों, मैंने जब फुलकर आपको पढ़ाया था, बेच पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि जिस दिन ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया, जिस दिन ये रूल एप्लीकेबल हो गया, मजा आ जाएगा, माहौल हो जाएगा, और ये रूल एप्लीकेबल हो चुका है। रूल तो कब का आ गया था बेटा, पर ये एप्लीकेबल लेट किया इन्होंने, इसलिए पहली बार नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है बेटा। पढ़िए रूल नंबर 138E, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ GST ऑफ फॉर्म नंबर GST EV बिल 01 EWB 01 बेटा। इधर ध्यान बेटा, मैं पहले समझाता हूँ फिर पढ़ लेते हैं बच्चों। अगर किसी भी SSC ने 2 consecutive month के लिए या फिर 2 consecutive tax period के लिए रिटर्न सबमिट नहीं किया, नॉर्मल SSC है तो GST 3B या स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GST 1
या फिर कंपोजिशन स्कीम में है तो GSTR 4, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अगर उसने ये रिटर्न सबमिट नहीं किए या GSTR 1 स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया तो उस असेसी के रेस्पेक्ट में कोई ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, न वो खुद जनरेट कर पाएगा न कोई और उसके रेस्पेक्ट में सबमिट कर पाएगा, जनरेट कर पाएगा ईवी बिल। मतलब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा उसका, 50,000 से ऊपर की गुड्स ट्रांसपोर्ट ना हो पाएगी बेटा उसके लिए। भारी पॉइंट है, इससे कंप्लायंस पार्ट बहुत जल्दी होगा और लोग टाइमली रिटर्न सबमिट करेंगे बेटा। आए ना, मैं वापस रिपीट करता हूँ, दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किए तो आपके लिए ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। या तो आप सप्लायर होंगे या फिर आप बायर होंगे, या आप सर कंजाइनर होंगे या कंजाइनी होंगे बेटा। तो सर न कंजाइनर ईवी बिल इशू कर पाएगा न कंजाइनी इशू कर पाएगा। अगर कोई पर्सन, दोनों में से एक पर्सन कौन है, ऐसा पर्सन है जिसने डिफॉल्ट किया हुआ है इन फर्निशिंग द रिटर्न्स सर दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए। माहौल हो गया है सर, पढ़ना पॉइंट को सर। नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब रूल तो इतना सा था पर बहुत भारी इंपैक्ट है इसके बेटा। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सब रूल नंबर 1 ऑफ रूल नंबर 138, नो पर्सन, देखो ब्रैकेट में पढ़ना क्या लिखा है, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंजाइनर, कंजाइनी, ट्रांसपोर्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर और अ कुरियर एजेंसी, नो पर्सन शैल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म GST EWB 01, मतलब ईवी बिल, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये लाइन मार्क कर लेना बेटा, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और अ रेसिपिएंट, मतलब सप्लायर हो या रेसिपिएंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कोई एक पर्सन ने भी अगर दो कॉन्जिक्यूटिव मंथ के, दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के रिटर्न सबमिट नहीं किए तो ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। वेदर एज अ सप्लायर और रेसिपिएंट हु बींग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10 और अवेलिंग बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2019, मतलब सर्विस सप्लायर या कंपोजिशन स्कीम वाले हो या गुड्स वाले कंपोजिशन स्कीम वाले हो, वो पर्सन ने हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर GST CMP 08 फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। अच्छा मैंने अभी GSTR 4 बोल दिया था बेटा, सॉरी GST CMP 08 क्या होता है बेटा, क्वार्टरली आपको टैक्स पे करना होता है, हाँ है ना, तो CMP 08, GST 4 नहीं बेटा, GST 4 तो अभी एनुअल हो गया। तो सर फॉर्म नंबर GST CMP 08 जो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए होता है क्वार्टरली बेटा इनके लिए, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए कंपोजिशन स्कीम वाले लोगों ने अगर ये सबमिट नहीं किया, सेकेंड बींग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, मतलब कंपोजिशन वालों के अलावा पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न, मतलब GST 3B फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ, या फिर ये पॉइंट मसी अभी एड हुआ लेटेस्ट में, या फिर बींग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज ए, मतलब कंपोजिशन वालों को छोड़ दो, हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर एनी 2 consecutive months और क्वार्टर एज द केस में बेटा। मतलब भाई नॉर्मल ऐसे हुआ तो GST 3B और GST 1 होता बेटा, तो उसने दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए या तो GST 3B फाइल नहीं किया या GST 1 फाइल नहीं किया, दोनों में से कुछ भी। और अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो तो GST CMP 08 नंबर का फॉर्म होता है आपका, जो पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए आप क्वार्टरली पे करते हो, क्वार्टरली फाइल करते हो, वो दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अपने, दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए अपने अगर फाइल नहीं किए तो साहब आपके रेस्पेक्ट में GSTR आपके रेस्पेक्ट में ईवी बिल जनरेट नहीं हो पाएगा, प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर चाहे तो अलाउ कर सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, अगर आपका जेन्युइन केस है तो बेटा पढ़ो, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर में ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म नंबर GST EWB 05 ऑन सफिशियंट कॉज बींग शोन एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग बाय ऑर्डर इन फॉर्म नंबर GST EWB 06, ये फॉर्म नंबर याद नहीं करेंगे चल जाएगा बेटा, अलाउ कमिश्नर चाहे तो, अगर आपके पास रीजनेबल रीजन था तो कमीशन चाहे तो अलाउ कर सकता है फर्निशिंग ऑफ द सेड इन्फॉर्मेशन इन द पार्ट ए ऑफ ईवी बिल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शन एज बी स्पेसिफाइड बाय हिम बेटा। मतलब कमिश्नर चाहे तो परमिशन दे सकता है, ठीक है जान दे, अगर उसको रीजनेबल केस लगता है तो, आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, और प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो ऑर्डर रिजेक्टिंग द रिक्वेस्ट ऑफ सच पर्सन टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ ईवी बिल अंडर द फर्स्ट प्रोविजो शैल बी पास्ड विदाउट अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड बेटा। मतलब आपने रिक्वेस्ट करी साहब प्लीज मेरे को अलाउ कर दो, मेरा केस रीजनेबल है, कमिश्नर अलाउ कर सकता है, पर कमिश्नर चाहे तो मना भी कर सकता है, पर मना करने से पहले एक बार आपको अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड देगा कमिश्नर बेटा। एंड सर लास्ट लिखा है क्या, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट परमिशन ग्रांटेड और रिजेक्टेड बाई द कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स और कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी टैक्स शेल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी ग्रांटेड और इस केस में भी रिजेक्टेड बाई द कमिश्नर अंडर दिस एक्ट बेटा। मतलब ऑब्वियस बात है बेटा, जो आपका ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर होगा वो सकता CGST वाला हो या SGST वाला हो बेटा, SGST वाले ने मना कर दिया या अलाउ कर दिया तो CB भी अलाउ या मना हो गया बेटा, और वाइस वर्सा बेटा, हाँ है ना, क्लियर डन। मतलब CGST एक्ट और SGST एक्ट हमेशा पैरेलल चलते हैं, आपको पता है बेटा ये बात। और सर
ये बोला ये कमिश्नर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा लाइन दिया है एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द एक्सप्लेनेशन कमिश्नर शैल मीन ज्यूरिस्डिक्शनल कमिश्नर इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर ए और बी बेटा। मतलब ज्यूरिस्डिक्शनल कमिश्नर मतलब आपके एरिया का कमिश्नर बेटा, ऐसा नहीं हिंदुस्तान में कोई भी कमिश्नर आपका दोस्त है उससे परमिशन लेके आगे, नहीं क्लियर। परमिशन कौन देगा बेटा, अगर अलाउ करेगा तो कौन करेगा, आपका ज्यूरिस्डिक्शनल कमिश्नर बेटा। क्लियर डन, खत्म होता है रूल ये। अब देखो बेटा रूल छोटा सा था बेटा, नेक्स्ट पेज पेज में 477 है, वो केवल एक लाइन थी, तो नंबर ऑफ पेज देखेंगे इस बेंच में अमेंडमेंट के तो आपको बहुत सारे लगेंगे, पर इतने सारे अमेंडमेंट है नहीं बेटा। क्लियर, तो ये 138 ई खत्म होता है। अब मैं वापस एक बार रिपीट करता हूं बेटा, कोई भी एसएससी जो नॉर्मल एसएससी रजिस्टर्ड है उसने जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3 भी दो कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए सबमिट नहीं किया, या कंपोजिशन स्कीम वाला है तो जीएसटी सीएमपी 08 फॉर्म उसने सबमिट नहीं किया दो कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए, तो उसके रेस्पेक्ट में भले वो सप्लायर हो भले वो रेसिपिएंट हो, उसके रेस्पेक्ट में कोई ईवीबिल पार्ट ए जनरेट नहीं कर पाएगा बेटा, और पार्ट ए जनरेट नहीं होगा तो पार्ट बी ऑब्वियसली बात है जनरेट नहीं होगा बेटा। क्लियर, पर कमीशन चाहे तो स्पेशल केसेस में आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग रीजनेबल केस हुआ तो परमिशन दे सकता है, और अगर उसको परमिशन को रिजेक्ट करना है एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है तो आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड वो परमिशन दे पाएगा बेटा, वो ही रिजेक्ट कर पाएगा बेटा। क्लियर डन, आइए सरकार नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, अपील्स एंड रिविजन पेज नंबर 517 चैप्टर नंबर 22 पावर्स ऑफ रिविजनरी अथॉरिटी आपको मिला होगा पेज नंबर 10 सेक्शन नंबर 108। बच्चों आपको पढ़ाया मैंने रिविजनल अथॉरिटी क्या होता है, अरे अगर कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया और रिविजनरी अथॉरिटी को लगता है रिविजनल अथॉरिटी को लगता है या कमिश्नर को लगता है कि ये ऑर्डर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट पास हुआ है और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है और सही पास नहीं हुआ, तो सर आपको पता है कि रिविजनल अथॉरिटी ऑन हिज ओन या ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कमिश्नर चाहे तो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है और डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दे सकता है रुको अभी इस ऑर्डर को एक्टिवेट मत करना, मतलब इस पर कोई एक्शन मत लेना, मैं इसको रिवाइज करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ वापस कि सही ऑर्डर पास हुआ कि नहीं हुआ, हाँ है ना, ये सेक्शन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस रिविजनरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया बेटा। तो ये रिविजनल अथॉरिटी कौन होगा, कौन ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है बेटा, तो सर जैसा अपील के अंदर सिस्टम दिया है कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी कौन होगा, वैसे यहाँ पे रिविजनरी अथॉरिटी भी अपॉइंट कर दिया, या बोल दिया अगर ऑर्डर इज पास्ड बाय जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर तो ऐसे केस में कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर क्या होगा, रिविजनरी अथॉरिटी होगा बेटा। अच्छा अपील के अंदर होता है कमिश्नर ऑफ अपील्स, ये नॉर्मल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेटा, तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स या कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स। क्लियर, और अगर ऑर्डर जो पास किया वो लोअर अथॉरिटी ने पास किया, किसने, डेप्यूटी कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने या सुपरिंटेंडेंट ने, तो उसके लिए रिविजनरी अथॉरिटी क्या होगा, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर रहेगा बेटा, हाँ है ना, ये रिविजनरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया, कोई खास बात नहीं, पढ़ लीजिए बेटा पॉइंट नंबर 1 में मैंने ऐड कर दिया सेक्शन 108 में, अपॉइंटमेंट ऑफ रिविजनल अथॉरिटी द सीबीआईसी हैज ऑथराइज्ड, जीएसटी नया नया एक्ट आया बेटा तभी अथॉरिटीज अपॉइंट हुई है धीरे धीरे, रिविजनरी अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया, द सीबीआईसी हैज ऑथराइज्ड द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स फॉर द डिसीजंस और ऑर्डर पास्ड बाय एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, एंड ऑथराइज किया सीबीआईसी ने किसको, एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को ऑफ द सेंट्रल टैक्स फॉर डिसीजंस और ऑर्डर पास्ड बाय डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ सेंट्रल टैक्स एज द रिविजनल अथॉरिटी अंडर सेक्शन नंबर 108 ऑफ द सेड एक्ट बेटा। तो रिविजनरी अथॉरिटी अपॉइंट कर दी है, कोई खास बात नहीं है, ये अथॉरिटी रिविजनरी अथॉरिटी जो ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं बच्चों। आइए सरकार, अच्छा सेक्शन 108 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस ये अथॉरिटी को ऐड किया बेटा। आइए मालिक अपील्स, अपील वाले चैप्टर में हम आ गए बेटा, उसी में देखे अपील्स में क्या दिक्कत आ रही थी बेटा, एक आपको बताया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, आप अपीलेट अथॉरिटी के पास गए, उसने अगर ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट जाना है या तो डिपार्टमेंट जाएगा या आप जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जीएसटी एटी के पास जाएंगे, भले वो नेशनल बेंच हो या स्टेट बेंच हो बेटा, आप जीएसटी एटी को अपील करेंगे या तो रिविजनरी अथॉरिटी के अगेंस्ट करेंगे या अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट करेंगे बेटा। तो सर हुआ क्या, टाइम लिमिट दी है, आपको पता है एसएससी के पास टाइम लिमिट है टू सबमिट द एप्लीकेशन ऑफ अपील विद इन 3 मंथ, और डिपार्टमेंट को टाइम है कितने महीने का, 6 महीने का, कि 3 महीने जिस दिन आपको वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है जिसके अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है उसके 3 महीने के अंदर एसएससी अपील फाइल कर सकता है टू द ट्रिब्यूनल, और अगर डिपार्टमेंट को अपील करनी तो 6 महीने के अंदर वो अपील फाइल कर सकता है जीएसटीटी को बेटा। अच्छा ये 3 महीने 6 महीने कब से बेटा, जिस दिन वो ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ है, रिसीव हुआ है, सर्व हुआ है ऑर्डर आपको तब से। पर साहब हुआ क्या, अभी कई सारे स्टेट में
जीएसटी एटी की बेंच ही अपॉइंट नहीं हुई है, अभी ट्रिब्यूनल बना ही नहीं है, एक तरह से जीएसटी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ, एक मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसकी वजह से इसको रोक दिया गया अभी इस काम को, कि अभी रुको साहब अभी ट्रिब्यूनल बन नहीं सकता है, कोई टेक्निकल इशू आ रहा था बेटा। अब साहब अब ट्रिब्यूनल बना ही नहीं तो असिस्टेंट 3 महीने में अपील क्या करेगा, डिपार्टमेंट को करना अपील तो 6 महीने में अपील क्या करेगा साहब। तो इसके लिए सर्कुलर इशू करके बोला सर ये डिफिकल्टी आ रही थी तो इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए डिफिकल्ट ये रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी का पावर इन्होंने यूज़ किया और ऑर्डर इशू कर दिया सीजीएसटी 9th रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर 2019 जो 3rd December 2019 को लेके आए और बोल दिया क्या चिंता मत करो तुम्हारे 3 महीने या 6 महीने इस केस में जो है हम काउंट करेंगे कब से, जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट हो गया आपको उस दिन से, या फिर जिस दिन ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया और उसका प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ने वो ऑफिस ज्वाइन कर लिया, हाँ है ना बेटा क्लियर, व्हिचएवर इज लेटर, मतलब जिस दिन ऑर्डर सर्व हुआ वहाँ से वो दिन, या जिस दिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने ऑफिस ज्वाइन किया है कौन सा ट्रिब्यूनल का बेटा, व्हिचएवर इज लेटर, वहां से हम 3 महीने का वक्त आपको देंगे साहब, चिंता मत करें बेटा, क्लियर सर पढ़ लीजिए कोई खास बात नहीं है। तो सर सेकंड पैरा पढ़िए बेटा इसका, देयरफॉर फॉर द रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज इट इज हियर बाय क्लेरिफाइड दैट फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, जो अमेंडमेंट का सेकंड पैरा का वो पढ़िएगा बेटा, द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ डेट on which the order sought to be appealed against is communicated to the person preferring the appeal in subsection 1 of section 112, the start of 3-month period shall be considered to be later of the following date. 3 mahine kab se start honge beta? Later of the following dates. First, date of communication of the order or the date on which the president or the state president as the case may be of the appellate tribunal after its constitution under section 109 enters the office beta. सर जिस दिन प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं बेटा सॉरी प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट द डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट और द स्टेट प्रेसिडेंट इज द केस में बी ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 109 एंटर्स द ऑफिस, मतलब जिस दिन प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट ऑफिस एंटर करता है वहां से, या जिस दिन ऑर्डर सर्व हुआ आपको विच एवर इज लेटर, वहां से 3 महीने काउंट करेंगे और डिपार्टमेंट के लिए 6 महीने कब से, सेम वे 6 महीने कब से डिपार्टमेंट के लिए, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर और डेट ऑन विच द प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट एंटर्स द ऑफिस ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल बेटा, हाँ है ना बेटा, हाँ है ना बच्चों, विच एवर इज लेटर वहाँ से 6 महीने काउंट करेंगे, क्लियर कोई खास बात नहीं बच्चों। तो एक तरह से सिंस अपीलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था इसलिए टाइम लिमिट के लिए बोल दिया, जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा प्रेसिडेंट या स्टेट प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन कर लेगा वहाँ से आपके 6 महीने मिल जाएंगे, कोई चिंता नहीं बेटा, क्लियर माहौल। आइए सरकार अगला पॉइंट, जीएसटी का लास्ट चैप्टर मिसलेनियस प्रोविजंस, उसमें एंटी प्रॉफिटिंग बेटा सेक्शन 171 उसमें सबसेक्शन 3A ऐड किया है पेनल्टी के लिए बेटा, देखिए पेज नंबर 557 आपको मिला होगा बच्चों। सरकार एंटी प्रॉफिटिंग याद है बेटा आपको कि अगर ITC का बेनिफिट मिला तो कमेंसुरेट बेनिफिट आपको कस्टमर को पास ऑन करना है, या कभी रेट ऑफ टैक्स कम हुआ तो जितना कमेंसुरेट प्राइस में कम होना था उतना बेनिफिट आपको कस्टमर को प्राइस में बेनिफिट देके पास ऑन करना पड़ेगा बेनिफिट, पर अगर आपने ये बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं किया तो उतना आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया बेटा, उसको बोलते हैं प्रॉफिटेड अमाउंट बेटा। और अगर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने आपको पकड़ लिया कि आपने वो एक्स्ट्रा बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन करना था आपने पास ऑन नहीं किया तो ऐसे केस में हम पेनल्टी भी चार्ज करेंगे, तो पेनल्टी के प्रोविजन अभी ले आए बेटा सेक्शन 171 सबसेक्शन 3A विच इज इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2019 वेयर द अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, आफ्टर होल्डिंग एग्जामिनेशन कम्स टू द कंक्लूजन ये है दैट एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज प्रॉफिटेड, देन उसने प्रॉफिटेड किया है मतलब उसने एक्स्ट्रा बेनिफिट रखा है तो सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द अमाउंट सो प्रॉफिटेड बेटा। तो जो आपने बेनिफिट एक्स्ट्रा रख लिया अपने पास वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, साथ में पेनल्टी कितना पे करना पड़ेगा 10% ऑफ द अमाउंट सो प्रॉफिटेड बेटा, एंड हाउएवर नो पेनल्टी शैल बी लेवेबल इफ द प्रॉफिटेड अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द ऑर्डर बाय द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बेटा। अगर आपने एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके 30 दिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर अमाउंट अगर आपने अमाउंट प्रॉफिटेड अमाउंट आपने पूरा पे कर दिया तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना बच्चों। अगर प्रॉफिटेड अमाउंट आपने 30 दिन के अंदर डिपॉजिट कर दिया तो ऐसे केस में कोई भी आपको पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको 10% ऑफ द अमाउंट प्रॉफिटेड पेनल्टी पे करना पड़ेगा, क्लियर डन। तो सरकार जिस दिन एंटी प्रॉफिटिंग का अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया
कि आपने गड़बड़ करी है, तो उसे 30 दिन में आप अमाउंट लौटा देना, या तो कस्टमर्स को या डिपार्टमेंट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड को। बेटा 30 दिन में अमाउंट आपने लौटा दिया तो ऐसे केस में कोई पेनल्टी नहीं, नहीं तो 10% ऑफ द अमाउंट प्रोविडेंट पेनल्टी आपको और पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा बेटा। और साथ में एक्सप्लेनेशन देखे डिफाइन कर दिया कि प्रोविडेंट अमाउंट को क्या होता क्या है बेटा वो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन प्रोफिटियड शैल मीन द अमाउंट डिटरमाइंड ऑन अकाउंट ऑफ नॉट पासिंग द बेनिफिट ऑफ रिडक्शन इन रेट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ और द बेनिफिट ऑफ ITC टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ। मतलब ITC का बेनिफिट था या रेट ऑफ टैक्स कम होने की वजह से जो बेनिफिट था, वो बेनिफिट जो आपको कस्टमर को पास ऑन करना था वो आपने नहीं किया, उस अमाउंट को बोलते हैं क्या, अमाउंट विच यू हैव प्रॉफिटेड बेटा। क्लियर, डन, भारत माता की जय। सुनो बच्चों, इसके बाद एक और सेक्शन दे रखा है, सेक्शन नंबर 172 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी बेटा। यहाँ पे भी एक अमेंडमेंट हुआ है, पर बच्चों सिंस फाइनेंस एक्ट 2020 नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है, इसलिए अमेंडमेंट नोट और मैंने बुक में कर दिया है, पर आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए नेक्स्ट अमेंडमेंट आप कर दीजिए। वैसे कोई खास अमेंडमेंट नहीं बेटा, आपको पता है डिफिकल्टी आ रही थी इंप्लीकेशन ऑफ एक्ट में, तो एक्ट नया नया आया है GST, तो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी का ऑर्डर इश्यू करने का पावर इनको दे रखा है। वो कितने साल का बेटा, 3 साल तक का पावर दे रखा था जिस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ, मतलब 1 जुलाई 2017 से 3 साल तक ये एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में अगर डिफिकल्टी आती तो 3 साल तक डिफिकल्टी को रिमूव करने का पावर इनको दे रखा है बाय इश्यू ऑफ ऑर्डर। अब 3 साल तो निकल गया, 2020 तो आ गया बेटा ये, और डिफिकल्टी तो आई जा रही बेटा, इसलिए फाइनेंस एक्ट 20 ने इस सेक्शन में अमेंडमेंट करके डिफिकल्टी को रिमूव करने का पावर 5 साल तक गवर्नमेंट का कर दिया बेटा। वो फाइनेंस एक्ट 20 के थ्रू अमेंडमेंट हुआ है, पर फाइनेंस एक्ट 20 आपके सिलेबस में नवंबर 20 के लिए रिलेवेंट नहीं होता है, इसलिए वो अमेंडमेंट आप काट दीजिए और आप 3 साल ही कंसिडर करिएगा। वैसे एग्जाम्स के लिए कोई रिलेवेंट सेक्शन नहीं इतना कोई खास बेटा, पर फिर भी ध्यान रहना चाहिए आपको बेटा। क्लियर, तो नेक्स्ट जो सेक्शन 172 है उसमें 3 साल को ही कंसिडर करिएगा बेटा, 3 ईयर को ही कंसिडर करिएगा, अमेंडमेंट को कंसिडर मत करिएगा नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए बेटा। ओके डन, और इसी के साथ GST के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब भारत माता की जय। हाँ, एक बात आपसे मैं और शेयर करूंगा, एक नोटिफिकेशन और आया है GST में, और उसी के रेस्पेक्ट में एक सर्कुलर और आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC जो एक्ट आपके लिए एप्लीकेबल बेटा लॉ के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के रिगार्डिंग GST में क्या इंप्लीकेशन आएंगे साहब। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के केस में GST का क्या इंप्लीकेशन रहेगा, नया रजिस्ट्रेशन कराना है नहीं कराना है, इन्वॉइसेस का क्या होगा, डिस्पोजल करेंगे तो कैसे टैक्स पे करना है, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन है प्लस एक सर्कुलर भी है। अब वो मैंने आपके लिए यहाँ कवर नहीं किया है क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर द ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज नोटिफिकेशन कि क्या वो आपके सिलेबस के लिए रिलेवेंट रखते हैं कि नहीं रखते बेटा। तो केवल वो एक IBC वाला टॉपिक जो इस पर नया ऐड हुआ है बेटा आपके लिए, वो मैंने यहाँ कवर नहीं किया है, अदरवाइज एवरी अमेंडमेंट वी हैव कवर्ड हियर रिगार्डिंग GST। बच्चों ध्यान रखना, वो अमेंडमेंट ICAI बोर्ड ऑफ स्टडीज जब आपको स्टडी गाइडलाइन इशू करेगा उसमें क्लेरिफाई करेगा कि वो एप्लीकेबल है या नहीं है, और एप्लीकेबल है तो कितना एप्लीकेबल है, तो वो एक छोटा सा पार्ट मैं आपके लिए बाद में और अपलोड कर दूंगा। क्लियर, और वो एप्लीकेबल जैसे ही बोर्ड ऑफ स्टडीज का स्टडी गाइडलाइन आ जाता है मैं उसमें देख लूंगा क्या एप्लीकेबल और क्या एप्लीकेबल नहीं है, उस अकॉर्डिंग वो लेक्चर अपलोड करके यूट्यूब पर डाल दूंगा बेटा मैं, और आप सबको नोटिफाई कर देंगे बेटा। क्लियर, और सर GST के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब माहौल, और आपको मैंने बताया क्या, कस्टम में तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, कस्टम एक भी अमेंडमेंट नहीं है नवंबर 20 एग्जाम के लिए, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल अमेंडमेंट। पर हाँ, FTP में भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं, एक छोटा सा पॉइंट ऐड हुआ है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आपको पता है बच्चों, आगे हूं मैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बेटा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-2020 आपको पता है 31 मार्च 2020 तक ही वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एप्लीकेबल थी। तो आपके माइंड में पॉइंट आ रहा है सर नवंबर 20 के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन सा पढ़ना है, तो बता देता हूं आपको, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। मतलब जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपने पढ़ी हुई है वही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नवंबर 20 के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि उसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया है, प्लस जितने भी एग्जिमिशंस जितने भी बेनिफिट्स इन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के थ्रू इशू किए थे उनको भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर सर, तो वो अमेंडमेंट मैंने यहाँ दे रखे हैं और कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। और बता देता हूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा EPCC स्कीम, एडवांस ऑथराइजेशन, EOU वगैरह बेटा, इन्होंने अगर कोई गुड्स परचेज किया है, इम्पोर्ट किया है, तो उस पर
सर IGST और GST कंपोजिशन सेस एग्जम्प्ट था, पर 31 मार्च 2020 तक था बेटा, उसको बढ़ा के एक साल और बढ़ा दिया बेटा, 31 मार्च 2021 तक IGST और GST सेस भी एग्जम्प्ट रहेंगे, ऐसा लिख दिया बेटा। बस यही अमेंडमेंट हुआ, जो नेक्स्ट चार पेज है उसमें यही लिखा है बेटा। ओके देख लेते हैं, फिर भी कवर हो जाएगा बेटा पॉइंट आपका, और आप बुक में इनकॉर्पोरेट कर लेना आपकी बेटा। पेज नंबर 710 मिला होगा FTP का आपको। टॉपिक नंबर 33.5 जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है मैंने आपको, इसमें देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो सेकंड पैराग्राफ दे रखा है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस शेल कम इन टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 एंड शेल रिमेन इन फोर्स अप टू 31 मार्च 2020 था, कट करके 31 मार्च 2021 कर दिया, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, और ब्रैकेट में मैंने समझाने के लिए लिख दिया द एग्जिस्टिंग FTP 2015-20 विच इज वैलिड अप टू 31 मार्च 2020 इज एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2021, फर्दर वेरियस अदर चेंजेस आर ऑल्सो मेड एक्सटेंडिंग द डेट ऑफ एग्जिमिशन बाय 1 ईयर एंड एक्सटेंडिंग वैलिडिटी ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम EPCG ऑथराइजेशन फॉर इम्पोर्ट परपजेज, इनको भी एक साल के लिए वैलिड, एक साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया बेटा इन्होंने। हाँ है ना बच्चों, भारत माता की जय। एक तो यहाँ पे लिखा है बेटा, फिर आइए जो नेक्स्ट पेज है, ये दे रखा मैंने एडवांस ऑथराइजेशन के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग बेटा? एडवांस ऑथराइजेशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान रहेगा टॉपिक कौन सा चल रहा है। पेज नंबर 757 पर एडवांस ऑथराइजेशन में जो टॉपिक नंबर 34.8.14 है, डिटेल्स ऑफ ड्यूटीज एग्जेम्प्टेड, उसमें देखिए बेटा जो लास्ट लाइन लिखी थी कि इंपोर्ट अगेंस्ट, सेकंड लास्ट लाइन, इंपोर्ट अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टैक्स एंड GST कंपोजिशन सेस अप टू 31 मार्च 2019 था, बढ़ा के 31 मार्च 2020 किया, उसको बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दिया बेटा। मतलब आप 31 मार्च 2020 तक एडवांस ऑथराइजेशन में कोई भी इंपोर्ट करेंगे तो उस पर GST और सेस, GST सेस एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर, डन। सेम पॉइंट नेक्स्ट आगे EPCG स्कीम में कर दिया, कहाँ कर दिया बेटा? EPCG स्कीम, और EPCG स्कीम में भी जो GST और सेस एग्जेम्प्ट था उसको 31 मार्च 2021 तक कर दिया। द कैप बी पॉइंट पढ़ लीजिए बेटा, जहां अमेंडमेंट लिखा है, कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड अंडर EPCG ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम IGST एंड GST कंपोजिशन सेस अप टू 31 मार्च 2021। क्लियर, डन। तो एडवांस ऑथराइजेशन के लिए भी बेनिफिट दे दिया, EPCG में भी दे दिया कि GST एग्जेम्प्ट रहेगा, GST सेस एग्जेम्प्ट रहेगा, कब तक? 31 मार्च 2021। और लास्ट जो चैप्टर 35 EOU वाला है बेटा FTP का, उसमें भी बोल दिया क्या कि EOU वगैरह ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है तो उसमें भी GST और GST कंपोजिशन सेस, IGST और GST कंपोजिशन सेस एग्जेम्प्ट रहेगा 1 अप्रैल 2021 तक बेटा। इसमें अप्रैल लिखा था, 1 अप्रैल, 31 मार्च नहीं, 1 अप्रैल लिखा बेटा, पढ़ लीजिए। द इंपोर्ट्स एंड और प्रोक्योरमेंट फ्रॉम बॉन्डेड वेयरहाउस इन DTA और इंटरनेशनल एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया शेल बी, मतलब EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क यूनिट ने कोई भी गुड्स इंपोर्ट किया है या प्रोक्योर किया फ्रॉम द कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस इन DTA या इंटरनेशनल एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, तो इन्होंने अगर वहां से परचेज किया है तो सच परचेज, सच इंपोर्ट शैल बी विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सच इंपोर्ट एंड और प्रोक्योरमेंट शैल बी मेड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स IGST और GST कंपोजिशन सेस अप टू 1 अप्रैल 2021। मतलब कुल मिला के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो एग्जिमिशन थे GST को लेके, उनको एक साल तक एक्सटेंड कर दिया है। इसी के साथ भारत माता की जय होती है। सारे अमेंडमेंट एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जाम्स खत्म होते हैं अब। आई होप सारे पॉइंट समझ में आए, और सर आपके एंड पे भी कंप्लीट हो रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो पाए उतना जल्द इन लेक्चर्स को देख लीजिए, अच्छे से रिविजन करिए, बी कॉन्फिडेंट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बी पॉजिटिव। सर बहुत सारी जगह बात चल रही है कि अगस्त 20 में एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे या वो नवंबर में शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा लेट दी टाइम से, अभी क्या टाइम ही बताएगा कि क्या होने वाला आगे, पर आप अपनी पढ़ाई ना रोके, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय। अच्छे से पढ़ाई करिए, ऑल दी वेरी बेस्ट। सर ध्यान देना, आपकी सक्सेस ही हमारी सक्सेस है बच्चों।
इसलिए अच्छे से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच माहौल। और ये अमेंडमेंट लेक्चर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सब तक पहुँचाइए, उनको बता दीजिए कि सारे अमेंडमेंट हमने कवर कर लिए हैं, और आप लोग ये अमेंडमेंट जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए, 9 मई 20 एग्जाम्स आने वाले हैं, और अपनी पढ़ाई फुल स्पीड से शुरू कर दीजिए बेटा, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज बेटा, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू, लव यू।